गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज एसके सिंह। दोस्तों, हम लोग देख सकते हो, मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सीएसआईआर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक आंसर की सब दिखा रहा हूँ, जो कि 3 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। और इसका आंसर शीट है यहाँ पे, बेसिकली आप देख सकते हो। उसके जस्ट नीचे मैं क्वेश्चंस भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चंस को डिस्प्ले करते करते मैं आप लोग के एक शेयर ये भी करूंगा कि देखो, एग्जाम देने के पहले दो चीजों पे आप ध्यान रखें। देखो, ये पैटर्न है, ठीक है। पहले आप देख लो इसको, क्वेश्चंस पैटर्न को आप देख लो, इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम देना। तो दो चीजों पे आप लोग ध्यान रखो। पहली बात यह है कि आप सबसे ये पता करने का कोशिश करो कि कौन सा एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, ठीक है। तो यदि IBPS कंडक्ट कर रही है, तब तो आपको मैं बोलूंगा कि आप बैंकिंग का पैटर्न को प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे ये जो एग्जाम जो कंडक्ट किया है, यहाँ का खुद जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, खुद खुद अपना एग्जाम कंडक्ट किया है, इसलिए इसका यदि पैटर्न आप समझोगे तो ये 12th लेवल का जो SSC का जो एग्जाम होता है, ठीक है, या आप CGL का जो एग्जाम होता है, उसी पैटर्न का ही सारे क्वेश्चंस, उसी पैटर्न का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। और ये काफी बेसिक्स है, आप लोग भी इजीली इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली जो CSI और CGCRI जो कोलकाता का जो सेंटर है, यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन आया था। उसका रीजन ये था कि IBPS कंडक्ट की थी इस एग्जाम को, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो खुद कंडक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो अभी आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम आ रहा है, जो कि मतलब होने वाला है नियर फ्यूचर में, जो कि CSIR लेबोरेटरीज है जो कंडक्ट करने जा रही है डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी के लिए, स्टेनोग्राफर हुआ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हुआ, ये सब के लिए। तो यहाँ पे यदि आप पता कर पा रहे हो, तो ये पता करो कि कौन सा एजेंसी ले रही है, ठीक है। तो यदि इंस्टीट्यूट खुद ही एजेंट कंडक्ट कर रही है एग्जाम को, तब तो जो मैं अभी डिस्प्ले आप लोग के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जस्ट इसी टाइप का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जाओ, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लाओगे, ठीक है। तो ये मैं अभी पेपर फर्स्ट आप लोग के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ। अभी जस्ट 5 मिनट बाद मैं आपको पेपर सेकंड भी शेयर करूंगा, ठीक है। और देखते हैं दोस्त, कभी जब भी टाइम होगा हम लोग पास, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी हम लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, कभी देखते हैं, यदि मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखा दूंगा काफी कम टाइम में, कि इस तरह कैसे आपको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, इस पेपर पे मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये नो नेगेटिव एग्जाम होता है। आप यहाँ पे 60% यदि आप कर पाते हो तो इनफ है, उसके बाद से जो भी आपको नहीं आ रहा आप तुक्का लगा देना, और क्या हम बोले, ठीक है। यानी कि नो नेगेटिव है तो क्यों आप छोड़ोगे, ठीक है ना। तो एक चीज और बताऊंगा, तुक्का लगाने का भी तरीका होता है। सपोज करो कि आपको 10 क्वेश्चंस लगातार है, जो कि एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट तुक्का ऑप्शंस नहीं मारेंगे, वहां पे एक सिंगल कोई ऑप्शन लेकर के मारेंगे, ठीक है। और यदि दूसरा केस में भी हो सकता है कि हाँ, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, दो ऑप्शन आप इलिमिनेट कर पा रहे हो कि जैसे ए और सी करेक्ट नहीं है, तो जो भी दो बचेगा उसमें आप कोई एक मार सकते हो। उस तरीका का यदि क्वेश्चन हो रहा है, दो आप छाट पा रहे हो, तो दो जो बाकी उसमें आप अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीका का तुक्का मारने का भी आप थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग ये करेंगे, तुक्का मारेंगे। यदि जो आपको उस क्वेश्चन नहीं आ रहा, मारना तो इसलिए जरूरी है सबको तुक्का, इसलिए कि जो आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको अच्छे तरीके से बनाओ, और जो नहीं आ रहा उसको रंग दो, ठीक है। इसलिए रंग दो कि नो नेगेटिव मार्किंग है ना, तो नो नेगेटिव आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना। आपको तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो इसमें आप CSI और CGCRI का यदि पैटर्न देखो तो 50% गया था, और इसमें देखोगे तो थोड़ा ज्यादा ही जा सकते, इसलिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गाइज, आज के लिए हम लोग इतना ही, ठीक है। गाइज, जो भी नए आए हो चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करते रहें, ताकि अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग के एक टेलीग्राम चैनल में भी मैं क्वेश्चन से डाल दे रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग जो भी डाउट है आप पूछते भी रहो, क्वेश्चन जो भी हम लोग का मेंबर है वो लोग सॉल्व भी करेंगे, जहाँ मैं भी सॉल्व करूंगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।